ओम नीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झाम झीम छीम छीम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिंजिन अभिषेचयामि तीस्वा तीर्थोत्तम भव नीरई शीरवाधिपक पियामी सुजन मप्ताजीना सर्वाथ सिद्धिदान ओम र्रीम श्रीभुस्वाधिवीराता जले निष्ण पिया ओम र्रीं श्रीभृस्वाधिभीरांता जलें निष्ण पिया ओम र्रीं श्रीभृस्वाधिरांता जले निष्ण पिया ओम र्रीं श्री ब्रिस्वाम वादी ओं रीं श्रीभस्वादीरांतालिष्णिया ओम रीं श्रीभिस्वादीबीरांतालिष्ण पियाम ओ नम सिभ्य नमः नम ओम नमः नम श्री वीतरागाय नमो नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते शातिनाथतीथंकय शुक्ल ध्यान पव सर्व स्वयंभु सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखा अनंत व्याताय अनंत चक्रपरीमर्दनाय अननाय अन अनतवीरिया अनसुखा सिद्धा बुद्धा सत्य सत्यय सत्यब्रम्हणे धरनेद्रफणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरीका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्कं उपसर्ग विनाश घाती कर्म विनाशनाय नाय घाती कर्म विनाशनाय नाय अपवायम् अति अती कामम् रती क्रोधाम क्रोधम् अग्नि भयम् सर्वसत्रु भयम् सर्वोपसर्गम् सर्वविक्षाम् सर्वभयम् सर्वराज भयम् सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग सर्वशूलरोगाम्, सर्वमात्मचक्र सर्वक्रूररोगाम्, सर्वकुष्ठरोगाम्, सर्वशूल रोगा सर्वक्षय रोगा सर्वगोमारीम, सर्वहिषमाम सर्वधान्य मरीम सर्वगुल्ममारीम, मारीम सर्वपुष्पमारीम, मारीम मारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम, मारीम सर्वविषमारीम, मारीम सर्विस्मारीम दनीय सर्वोहनी सर्वर्माष्ट ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्वतेजो बल सौरवीरे शांति पूरा पूरा सर्वीवानंदजनानंदव्यानंद युखम त्रिषुलोकेश्यसन वर्जित अभिय क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्त विधीये श्रीशातिरस्त शिवस्त आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी श्री उपाध्याय गुप्ति सागर जी महाराज चतुर्वी संगस सिद्धांतरत्न सुमन शास्त्री शास्त्री स्वास्थ्य आज की प्रथम शांति धाराकर्ता श्रीमान विनय कुमार जी जैन कुमकुम जैन आशीष जैन त्री, त्रिया जैन टीना जैन, जैन मंत्रा जैन क्या लिखा? क्या लिखा लिखा दीवानी जैन श्री आदिनाथ ज्वेलर्स तीन सौ चवालीस दरीवा कला देहली द्वितीय शांति धाराकर्ता श्रीमान श्रीमती वीना जैन परिवार मॉडल टाउन वालों की तरफ से इक्यावन लोगों का भंडार और आज की शांति धारा और आज की एक महीने की शांति धारा स्वर्गीय श्री बलवंत राय जी जैन व श्रीमती कौशल्या देवी जैन परिवार श्रीमान मुनेश जी, जी जैन सुधा जैन नमन जैन रिया जैन कनिका जैन सौरभ देवकरण जैन को परिवार सी कॉलोनी परिवार दिल्ली जैन को डीजल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली परिवार की तरफ से भी आज से एक महीने तक की शांति धारा परिवार के द्वारा यहाँ पर की गई है जिन परिवारों के द्वारा एक महीने की शांति धारा यहाँ पर करवाई जा रही है श्रीमती कविता जैन धर्मपत्नी श्री, श्री अनुराग जी जैन ए थर्टी नाइन डेरावाला नगर दिल्ली के स्वास्थला बेतु शांति धारा सिद्धार्थ जैन बंटी गुड़गावा की ओर से कार्य में कार्य में सफलता के लिए एक महीने की शांति धारा श्रीमान नसीब सोनी ममता नीतू मनीष पीयूष लोहित बलक स्मिता रिद्धिशाह परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा अट्ठारह उपासना कुंज श्री भूपत राय अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजनाबहन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंत साहब चिरंजीव हेतवी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोगिता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धरा स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार अजय जैन ऋतु जैन शक्ति नगर वाले परिवार की तरफ से शांति धरा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार की तरफ से शांति धरा श्रीमान अशोक जी नरेंद्र जी जैन जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रताप बाग श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी ऋष्वी टिया व आर्या सोनी प्रीत विहार श्रीमान राजीव जी जैन अनिता जैन ममता जैन वैभव नेहा मार्धव पुलकित ऐश्वर्य आरज प्रियंका अर्पित पारुल अतिन रूपाजी डेल्को रबर ट्रेडर्स प्रीत विहार स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मेहना सुंदरी जैन सुनील जैन श्वेता जैन परिवार शीसी कॉलोनी श्रीमान अनुराग जी जैन रेणु जैन नितेश प्रियंका जैन प्रतीक अदिति जैन परिवार मयूर विहार परिवार की तरफ से शांतिधारा श्रीमान चंद्र प्रकाश जेजानी पुष्पलता जेजानी मेहुल रुचिता संदीप आसमा आर्यन समीका स्पार्कल विवान एवं समस्त जेजानी परिवार नागपुर की तरफ से भी शांति धरा श्रीमती पुष्पा जैन बबीता जैन अजय जैन आरुषि श्रेया अभिषेक मंजू जैन अजय जैन नितिका रिया देवांश जैन पूनम जैन कमल जैन सौम्या जैन संयम जैन परिवार की तरफ से भी श्रीमती श्वेता जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संकट रण पासनाथ भगवान के चरणों में परिवार के द्वारा शांति धरा श्रीमती बाई जी प्रमोद कुमार हर्षित अंशिका जैन बहेरिया वाला परिवार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश श्रीमान कपिल जी जैन प्रीति जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु राणा प्रताप बाग दिल्ली परिवार की ओर से शांतिधारा समस्त शांतिधारा देखने वाले सुनने वाले समस्त दिगंबर जैन समाज से पुष्टि रस्तु तुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु कल्याण मस्तु सुख मस्तु अभिवृद्धि रस्तु दीर्घायु रस्तु कुलगोत्र धनानी सदा संतो सद्धर महा श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्या भी वृद्धि रस्तु सद्धर महा स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिदंतु नहा ओम राम ब्रीम ब्रुम ब्रूम रहा नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरसार्तस्य भवतु भवत नरकादि चतुर्गति दुःख विनाशनम् ओम रीम श्रीं क्लीं आरम से अनाहत विद्य नमो कुरु कुर ओम नमो अरते भगवते श्रीमति दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्त नम श्री सर्व प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्गप मृत्यु विनाशनाय सर्वर्कृद्रोपद्र विनाशनाय सर्व डामर विनाशनाय ओम राम रा्रीं रूम रहा अ उषा राम नम सर्व शांतिम कुर ष् स्वाहा का नाम प्रतिपल का यतीन्द्र सामतपोधना देश से राष्ट्र से पुरा शराज करो करो तो शांतिम भागवा जिने करो तो शांतिम भागवा जिने जय बोलिए पार्सनाथ भगवान की जय बोलो आचार्य भगवंत श्री विद्या जी महाराज की जय बोलिए संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जिनेन्द्र बंधुओं आप सभी के सहयोग से भूमि में जो राशि दी गई वह भूमि लेकर के इस मंदिर जी की नींव यहाँ पर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर रखी गई बंधुओं आप सभी ने जो द्रव्य दिया था वो दिल्ली जैसी जगह जीटी करनाल रोड जैसी जगह पर बनने वाला यह विशाल मंदिर पंद्रह गज का जो बनने जा रहा है उसमें आपका ये द्रव्य लगा है अभी इसका निर्माण कार्य बिल्कुल तेजी से जा रहा है मेरा निवेदन है आप सभी लोग जो भी निर्माण में अपने परिवार की तरफ से देना चाहे एक लाख दो लाख पांच लाख लाख इक्यावन हजार रुपए इकतीस हजार रुपए इक्कीस हजार रुपए ग्यारह हजार रुपए बंधुओं ये एक ऐसा मौका जो दिल्ली जैसी जगह पर आपको मिल रहा है आप अपने परिवार की तरफ से आपकी जितनी शक्ति हो इस मंदिर के निर्माण में दान दे करके पैसा देकर के और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा लेना क्योंकि दिल्ली में बनने वाला एक ऐतिहासिक मंदिर जो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बनने जा रहा है आप सभी लोग इसके अंदर हिस्सा लेकर के अपना नाम हजारों वर्षों तक यहाँ पर लिखाएं आप देखेंगे जब दिल्ली में आएंगे तो यह भव्य मंदिर दिल्ली का नंबर एक मंदिर मेन रोड पर यह मंदिर होगा मेरा आप सभी से निवेदन है जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं आप अपने परिवार की तरफ से निर्वाण कार्य जो बहुत तेजी से होने वाला है आप लोग अपने परिवार की तरफ से जितनी आपकी श्रद्धा हो देकर के अवश्य कमा लेना जो भी परिवार एक लाख रुपए या इससे अधिक की राशि देगा उसका नाम यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपके परिवार के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण में पैसा दिया गया यह सब जबी होगा, जब आप सभी लोग हमारा साथ देंगे इसी तरीके से पांच गज भूमि में बनने वाला हॉस्पिटल, जिसकी एक गज की राशि मात्र एक लाख रुपए की है आप अपने परिवार की तरफ से दे करके, और ये सोचें कि ओमिक्रॉन जैसी बीमारी हमारे यहां पर ना आए जैसा आप सभी को पता है यहां पर शांति धारा गत उन्नीस महीनों से लगातार चल रही है आप अपने परिवार की तरफ से अगर पूरे महीने की शांति धारा करवाना चाहते हैं मात्र ग्यारह हजार रुपए की राशि है और इक्यावन सौ रुपए देकर के आप दस दिन की शांति धारा करवा सकते हैं इक्कीस सौ रुपए देकर तीन दिन की करवा सकते हैं ग्यारह सौ रुपये दे करके एक दिन की करवा सकते हैं उसी तरीके से रोज लगातार उन्नीस महीने से यहाँ पर गरीब लोगों को भोजन करवाया जाता है चार सौ पांच सौ भाई बहनों को रोज यहाँ पर हम भोजन करवाते हैं आप अपने परिवार की तरफ से किसी के जन्मदिन पर किसी की शादी की वर्षगांठ पर किसी की पुण्यतिथि पर किसी के ग्रह प्रवेश पर और किसी पुण्य कार्य पर आप अपने परिवार की तरफ से इक्कीस सौ इक्यावन ग्यारह हजार इक्कीस हजार दे करके यह भी पुण्य कमा करके जो गरीब भाई बहन रिक्शे वाले हैं और उन्हें अगर एक समय का भोजन मिल जाता है वो कितनी दुआएं आपको देंगे बंधुओं पैसा कमाने से दुआ नहीं मिलेगी आप अगर पैसे का सदुपयोग करेंगे तो भगवान पार्शनाथ के चरणों में आपको दुआई दुआ मिलेगी मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप यह भी कार्य करें जैसा आप सभी को पता है अभी जब तक हॉस्पिटल नहीं बनता है हमारे यहाँ पर एक ओपीडी करीब 100 गज के अंदर चलाई जा रही है जिसमें सुबह दोपहर शाम डॉक्टर बैठ के करीब 60 से 70 मरीजों को रोज देखते हैं आप अपने परिवार की तरफ से जितनी आपकी श्रद्धा हो आप यहाँ पर औषधि दान में दे करके भी लाभ ले सकते हैं बंधुओं कहते हैं औषधि दान से बड़ा दान हमारे यहां कोई नहीं माना जाता है आप अपने परिवार की तरफ से हर महीने कुछ ना कुछ औषधि दान दे करके यह भावना भएं कि हमें कभी जिंदगी में औषधि ना लेनी पड़े आप सभी कार्यों में जुड़कर ये बनने वाला विशाल मंदिर आपको रहने के लिए यहाँ पर अत्याधुनिक कमरे जो बनाए गए हैं आपके लिए भोजनशाला जो यहाँ पर चलेगी उन सभी कार्यों के लिए जैसा आपने देख रहे हैं कोई भी गुरुदेव यहाँ पर आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर गुरुदेव ने नीचे सभी के लिए की है आप सभी कार्यों में हिस्सा लेकर के और धर्म लाभ ले जय जिने मैं पवन जैन को था श्री संकटरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर राणा प्रताप बाग दिल्ली